बाढ़ के लाल ने कर दिया कमाल। पटना में आयोजित फैशन शो में रनअप रहे बाढ़ के तिरशांत कुमार, जो कि मलाही के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि तिरशांत कुमार जो है जो मलाही के रहने वाले हैं, तो अपने दो भाई हैं और इनके मम्मी पापा ने काफ़ी संघर्ष करके इनको पढ़ाया और उसके बाद ये इन्होंने पढ़ने को लेकर ये पटना शिफ्ट हुए, जहाँ पर इनको फैशन का जो है शौक लगा, जिसके बाद आज फैशन शो में वह बाढ़ के लाल ने कमाल कर दिया है और सेकेंड रहे, जो सेकेंड रनअप रहे। आज उनसे हम बात करेंगे कि आपने कैसे इस मुकाम को हासिल किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर त्रिशांत कुमार हुआ। हाँ, तो कैसे लगा कि आपको, कि आप तो पढ़ने के लिए पटना गए थे, तो फैशन शो में कैसे चले गए? सर पढ़ने के लिए पटना गए थे, लेकिन बचपन से ही फैशन में शौक़ था। बॉलीवुड फिल्म का काफ़ी शौक़ है, तो वहाँ पे से मोटिवेशन मिला। फिर अभी कोलकाता शिफ्ट हो गए हम, वहाँ पे सीए का पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ पे भी फैशन टीवी है, वहाँ पे फैशन शो सीख रहा है। तो ये शो हो रहा था पटना में, पता चला तो पार्टिसिपेट किया, ऑडिशन दिए, फिर ऑडिशन में क्लियर हो गया, तो फिर फाइनल राउंड हुआ। फाइनल राउंड कल था हम लोग का 20 तारीख को, तो उसमें सेकेंड रनर अप मिला हमको टाइटल। बहुत सारा को देखते हैं माँ बाप जो है फैशन शो में जाने पर बच्चा को रोकते कि नहीं पढ़ने पर ध्यान दो, आपके मम्मी पापा कितना सपोर्ट किए? सपोर्ट तो ऐसे नहीं बोलूँगा कि पूरा सपोर्ट किए, लेकिन हाँ ये था कि मैं सीए कर रहा हूँ, तो सीए में पापा को अच्छा लग रहा है, पापा का सपना है कि सीए बनूं, तो सीए भी कर रहा हूँ। सीए का अभी एक सीपीटी का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया लास्ट ईयर, अभी जनवरी में सीए इंटरमीडिएट में हूँ, तो पापा को अच्छा लग रहा है कि पढ़ाई भी कर रहा और साथ में पैशन भी फॉलो कर रहा है, जैसे मेरा पैशन है ये, तो इसमें भी अच्छा कर रहा हूँ। तो कल जब रिजल्ट आया, अवार्ड मिला, उतना पापा वीडियो वगैरह देखे काफ़ी खुश हुए, तो मुझे भी खुशी है इस चीज़ का कि बहुत खुशी है। तो क्या मतलब आप जो है कितने भाई बहन हैं, कहाँ से पढ़े, कहाँ कैसे पटना पहुँचे, इसका पूछ सकते हैं? सर मैं दो भाई हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बचपन में सर के ये स्कूल था, वहीं से मेरा पढ़ाई का जर्नी शुरू हुआ था। सर मेरे प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और आपसे सर बहुत कुछ सीखने को मिला बचपन से ही। मेरा जो बेस बना है वहाँ पे, वो आज तक काम आ रहा है हर जगह पे। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर सबसे पहले तो। और पढ़ाई लिखाई का तो पढ़ाई में भी मेरा उतना इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है। अभी सीए कर रहा हूँ और मेरा ये भी सपना कि फ्यूचर में सीए बनूँ सक्सेसफुल, और उसके साथ एक फ्यूचर मतलब सक्सेसफुल मॉडल भी बनूँ। तो आप दोनों चीज़ साथ में लेकर चलना चाहते हैं, मतलब सीए बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहते हैं, तो क्या प्राथमिकता? प्राथमिकता तो सीए ही है, क्योंकि मॉडलिंग, सिर्फ मॉडलिंग ही एक अच्छा कैरियर नहीं हो सकता है, तो प्राथमिकता तो मेरा सीए ही है। लेकिन ये है कि एक पैशन है, इंजॉयमेंट होता है इसमें, और इसमें भी अच्छा खासा अर्निंग है, ऐसा बात नहीं है। और मेरे पास इतना टाइम है, मेन होता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज मैं कर पाता हूँ सही से, पढ़ाई भी साथ साथ और उसके साथ ये मॉडलिंग भी, और आगे भी ऐसा लगता है अंदर से, वो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि कर पाऊंगा मैं। अच्छा, जब आप फैशन शो में गए तो मम्मी पापा को बताया होंगे जाते समय, हाँ, तो आपके साथ कौन कौन गए वहाँ? मेरे साथ मेरे घर से मेरी दीदी गई थी, जीजा जी गए थे, भैया थे, और भी फैमिली के बहुत सारे लोग थे, मेरे फ्रेंड लोग बहुत सारे पटना से थे जो चीयर अप कर रहे थे। वहाँ पर बिहार लेवल का शो था, बिहार के अलग अलग जगह से आए हुए थे कंटेस्टेंट, जैसे कि मुजफ्फरपुर से थे, बलिया से थे, यूपी से भी आए हुए थे। तो सबको लग रहा था कि इतना बड़ा लेवल पे शो हो रहा है, कैसे कर पाएगा। मेरा फर्स्ट राउंड थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था, लेकिन हम लोग का लास्ट में जो होता है इंट्रोडक्शन राउंड, फॉर्मल राउंड, वो मेन होता है, तो उसमें मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया था, तो वो जज को काफ़ी पसंद आया, उसमें मेरे को नोटिस किया गया और फिर सेकेंड रनर अप का टाइटल दिया गया। अच्छा, ये शो कहाँ आयोजित किया गया? ये पटना पैलेस में आयोजित किया गया था, सेंट्रो मॉल के पास में ही है, पटना जंक्शन के ही पास, वहीं पे। वो क्या नाम था शो का? पटना शाइनिंग आइकन सीज़न 7 था ये। वो हर साल आयोजित किया जाता है? हर साल आयोजित होता है, और इस साल भी हुआ था, अभी नेक्स्ट ईयर भी होगा। अभी आने वाले मतलब ये छठ पूजा के बाद 10 तारीख को एक और शो है, तो इसमें तो मैं विनर बन चुका हूँ, तो उसमें मेरे को एज ए मेम्बर बुलाया भी जाएगा, आज कॉल भी आया है। तो अच्छा, मान लीजिए आपको कभी मॉडलिंग करने का मौका मिला या फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर मौका मिला तो ज़रूर करूँगा, सपना है, और फिल्म में भी जाने का है। अभी अभी फ्यूचर में उतना नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आज जो है आज है, मोमेंट के साथ फ्लो होना है।
आगे जो भी होगा उस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको मैं सही तरीके से। अच्छा, घर में कोई कैसे फैशन शो में भाग लिया, इसके पहले कभी कोई लिया कि नहीं? कोई नहीं, घर से ही नहीं। मैं बताना चाहूँगा, मैं बाढ़ से बिलोंग करता हूँ, बिचली मलाई एक छोटा सा गाँव है, बाढ़ से भी मॉडलिंग का कोई नहीं अभी तक मेरे कॉन्टेक्ट में तो नहीं ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं बाढ़ के लोगों को भी प्रेरित करना चाहूँगा, जो लोग मॉडलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं या करते हैं, अच्छा कैरियर है, ऐसा बात नहीं है, ग्लैमरस दुनिया है, अच्छा लगता है सभी को। तो कोई नहीं किया, लेकिन मेरा था और पता नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन घर वाले से भी, क्योंकि मॉडलिंग में तो उतना किसी को होता नहीं है, तो मैं खुद से ही पार्टिसिपेट किया, ऑडिशन देने गया, सब कुछ अकेले ही था, कुछ फ्रेंड लोग का सपोर्ट रहा उसमें, और फिर कल विनर बना तो अब और भी कॉन्फिडेंस आ गया। तो आगे भी कुछ होगा ऐसा सो तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा और आगे और बड़े लेवल पे जीतूंगा। पटना में तो कोई आपको बताएंगा, कोई तो गुरु रहे होंगे पटना में? हाँ, हम लोग के जैसे अभी ये शो के लिए हम लोग को जो प्रिपेयर कर रहे थे, हमारे ग्रूमिंग जो सर थे, विक्की सर नाम है उनका, काफ़ी अच्छा ट्रेन किए। एक मैम थी अदिति मैम, वो भी आई, काफ़ी अच्छा सिखाई। फिर मैं जहाँ कोलकाता में रहता हूँ वहाँ पे हम लोग की जो मैम है, साइनी मैम नाम है, वो मिस कोलकाता भी रह चुकी है, तो वो मेरी टीचर है, काफ़ी अच्छा सिखाती है और प्रेरित उन लोग से भी काफ़ी हुआ। जब आपने अवार्ड जीता तो सबसे पहले किसको बताया कि अवार्ड जीता? तो वहाँ पे फैमिली मेम्बर तो थे ही मेरी, जो जितने भी लोग थे, जो जब अवार्ड दिया जा रहा था तो सब लोग के आँखों में, मतलब मैं देखा तो काफ़ी खुश थे, आँखों में खुशी दिखाई दे रहा था। तो और फिर मम्मी को भी बताया, मम्मी को भी पहले उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे देखी मम्मी कि अरे अवार्ड मिला है, ये है वो, इतना सारे लोग थे वहाँ पे, चीफ गेस्ट खेल मंत्री भी आए हुए थे, तो देखी कि इतना बड़े लेवल पे अवार्ड मिला तो बहुत खुशी मेरी मम्मी, तो बस पापा भी खुश हुए। आगे युवाओं को क्या देना चाहते सोच के मॉडलिंग में आगे आए? बिल्कुल बिल्कुल है, मॉडलिंग से सिर्फ यही नहीं है कि करियर ही, मॉडलिंग से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है किसी भी फील्ड में। जैसे कि इंटरव्यू देना भी एक अपने आप में वो होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, बोलने का आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। आप अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते, जैसे मैं अगर CA बनूंगा तो CA में भी है कि आप कितना सक्सेसफुल CA बन सकते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। और मॉडलिंग फील्ड में स्टेज फियर ख़त्म होता है, उतने सारे लोग के बीच में इंट्रोडक्शन देना, नर्वस हो जाते हैं बहुत सारे लोग, कंटेस्टेंट भी हमारे हुए थे, तो ये सब चीज़ होता है। और नेचुरल आपका जो नेचुरल आप कैसे हैं वो प्रेजेंट वहाँ पे जो करते हैं हम लोग, तो पता खुद को भी पता चलता है कि हाँ मेरा रियल पर्सनालिटी क्या है। तो काफ़ी अच्छा है, मैं जो भी हुआ है यहाँ पे बाढ़ के, ख़ास कर बाढ़ से, क्योंकि बाढ़ से कोई जाना नहीं चाहता, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाए, साइड से फॉलो करें, टाइम को मैनेज करें, पढ़ाई पे भी फोकस करें और साथ में अपना जो पैशन है उसको फॉलो, जो भी पैशन है आपका फॉलो करें। अच्छा, मलाही आए तो दादा दादी से मिले बताएं? मेरे दादा जी का तो डेथ हो चुका है, दादी मेरी वहाँ पे है, तो दादी से मिले, दादी को काफ़ी खुशी हुआ। वीडियो दिखाए? हाँ बिल्कुल दिखाए, आते वीडियो तो रात में ही, जब विनर हम लोग का 12:30 के करीब रात हो गया था काफ़ी, तो अनाउंस हुआ तो दादी सो गई थी उस टाइम, फिर दादी सुबह सुबह वीडियो वगैरह देखी, मेरी बुआ आई हुई थी, बुआ भी देखी, सब लोग काफ़ी खुश, क्योंकि इस घर से मैं पहला हूँ, मतलब कि ऐसा ग्लैमरस वर्ल्ड में कुछ जीता हूँ, और बाढ़ से भी ऐसा मैं, मतलब कह सकते हैं, ऐसे कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ बाढ़ से मैं जीता हूँ, बाढ़ को बिलोंग करना आगे चाहता हूँ कि बाढ़ को मैं बहुत बड़े लेवल पर लेके जाऊँ, मतलब या ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कहाँ पे लेके जाऊँ, लेकिन हाँ बाढ़ का नाम रोशन करना, बाढ़ को लोग पूरे बिहार में नहीं इंडिया में भी जाने कि बाढ़, क्योंकि अभी भी हम लोग पटना में भी बहुत जगह ऐसा होता है जब पूछते हैं आपका होम टाउन क्या है, तो जैसे बोलते हैं बाढ़, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये बाढ़ बाढ़ कहाँ है ऐसे, तो कोई लोग बोलते हैं बख्तियारपुर साइड या मोकामा भी जाते बाढ़ को, तो मैं चाहता हूँ कि बाढ़ को लोग इंडिया के लेवल पर जाने, और उसमें मैं जो भी मेरे से होगा मैं करूँगा और आगे। देखिए, हमने बात की है तिरसान कुमार से, जो कि बिचली मलाई के रहने वाले हैं और इन्होंने फैशन की दुनिया में कदम रख दिया है और वहाँ पर अपना स्टेज शो में इन्होंने सेकंड रनअप भी रहे हैं। तो इस तरह से हम बाल के युवाओं को भी कहेंगे कि आप सब भी आए इस तरह के शो या और भी बहुत सारे कला संस्कृति और खेल में आगे बढ़े। ब्रज किशोर पिंकू, ब्रेकिंग विद बाढ़।